हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एस मजुमदार इलास्ट्रेशन। आज की इस वीडियो में आज हम कुछ अलग सीखेंगे। बेसिकली मेरे जितने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सबको यही लग रहा है जो इलास्ट्रेशन इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ फैशन डिज़ाइनिंग, पर दैट इज़ नॉट ट्रू। अब कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करने जाओ, कोई भी कॉलेज में, इलास्ट्रेशन इज़ नॉट द मेन पार्ट। उससे पहले आपको ये सीखना है जो डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है। सो डिज़ाइन की क्रिएट करने की कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। सो आज इस वीडियो में हम वही सीखेंगे, मतलब द फाउंडेशंस ऑफ अ डिज़ाइन, और यू कैन से द प्रिंसिपल्स ऑफ अ डिज़ाइन। सो शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले डिज़ाइंस कैसे कैसे होता है, पहले हम उनके बारे में सीखेंगे। एक्चुअली आप पूरे दुनिया में जहाँ भी जाओ, थ्री टाइप्स ऑफ डिज़ाइनर्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट है जो कुत्योर डिज़ाइनर्स होते हैं। जो कुत्योर डिज़ाइनर्स क्या बोलते हैं, जो लोग कस्टमाइजली क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइंस करते हैं, मतलब उस डिज़ाइनर्स को वही डिज़ाइंस उसका सिंगल पीस ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से इंडिया से अगर आप ले लो मनीष मल्होत्रा, उसका जितने सारे डिज़ाइनर्स होते हैं वो कुत्योर डिज़ाइनर्स होते हैं, क्योंकि उसका वो डिज़ाइन का बस वो सिंगल पीस ही होता है। इसीलिए वो सब का कॉस्टिंग इतना बढ़ता है, और ऑब्वियसली ब्रांडिंग का कॉस्ट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ द कुत्योर का ही कॉस्ट, एंड थर्ड पॉइंट इज़ क्लाइंट का एकदम सिंगल, और उसका इंटरेस्ट भी उसका कॉस्टिंग का रीजन्स होता है। सेकेंड डिज़ाइनर्स का होता है जो प्रेत कुछ भी नहीं, जो टेलर्ड मेड डिज़ाइनर्स होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल्स यू कैन से दैट पैंटलून्स लाइफस्टाइल, जहाँ से आपको साइज़ के अनुसार आपको कपड़े मिलेंगे, मतलब स्मॉल टू एक्सेल, डबल एक्सेल, दिस टाइप्स ऑफ। सो बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जो प्रेत टाइप ऑफ कपड़े डिज़ाइंस करते हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ दैट एवंगार्ड। एवंगार्ड इज़ अ लिटिल बिट क्रिटिकल, मतलब आप गूगल सर्च करो या भी कोई भी सर्च करो, जो डिज़ाइनर्स क्लोथ्स आपको दिखने को मिलेगा वो आपके समझ के बाहर है, क्योंकि जो डिज़ाइनर्स ने बनाया है वो उसका थिंकिंग प्रोसेस, उसका परसेप्शन प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा, एंड वो बस दैट इज़ ऑल्सो विद ऑब्वियसली कस्टमाइज, मतलब हाई फाई क्लाइंट्स के लिए जिसके कोई कंसर्ट शो होते हैं, उन लोगों का पसंद, या फिर अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, वेन्यू, ये सब देख के डिज़ाइनर्स लोग एवंगार्ड का डिज़ाइंस बनाते। मैं एग्जाम्पल्स दे दूँगी, आप पता लेडी गागा को जानते हो, द पॉप सिंगर, उन्होंने एक स्टेज शो के लिए, कंसर्ट के लिए उन्होंने एक मीट का ड्रेस बनाया था, पहना था, तो वो दैट टाइप ऑफ ड्रेस इज नोन एज एवंगार्ड। इट्स दिट्स फॉर द रेफरेंस, ओके, दैट दिस आर ऑल फॉर द एग्जांपल्स। सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ डिज़ाइनर्स आपको पूरा दुनिया में देखने को मिलेगा। एक है कुत्योर, सेकेंड वन इज द प्रेड, एंड द लास्ट वन इज द एवंगार्ड। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द फाउंडेशंस, और वेल्स यू कैन से दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस, मतलब डिज़ाइंस का क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या रूल्स डिज़ाइंस फॉलो करते हैं, एंड वो सारे डिज़ाइनर्स, अब जितने बड़े बड़े हाउस के, बड़े बड़े कंपनी के डिज़ाइनर्स को देखोगे, सब यही प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। सो द प्रिंसिपल्स कुछ भी नहीं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक है द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द डिज़ाइंस, दैट इज़ द प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस कुछ नहीं, अपर बॉडी एंड द लोअर बॉडी, मतलब कोई कोई डिज़ाइनर्स का जो कपड़े होते हैं बस वो प्रोपोर्शंस रिलेटेड डिज़ाइंस को फॉलो करते हैं। प्रोपोर्शंस मैंने आपको बोला, मतलब अपर बॉडी एंड द लोअर बॉडी, कभी कभी अपर बॉडी आप देख सकते हो हैवी होगा, कोई कोई गारमेंट्स का लोअर बॉडी का हैवी होगा, कोई कोई गारमेंट्स का आप देखोगे एकदम सिमेट्रिकल है। तो मैंने आपको ये समझाने के लिए कोई पिक्चर्स रेफरेंस भी दिखाऊंगी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे जो मैंने बोला, प्रोपोर्शंस कुछ भी नहीं, अपर बॉडी और लोअर बॉडी का जो प्रोपोर्शंस होता है उस हिसाब से डिज़ाइनर्स लोग डिज़ाइंस करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो जो प्रोपोर्शंस में, द फर्स्ट पॉइंट है टॉप हैवी, मतलब कुछ नहीं, जो आप ये जो गारमेंट्स देख रहे हो इसमें आप पूरा देख रहे हो, जो उसका जो अपर पार्ट का जो गारमेंट्स है ये हैवी है, और द लोअर पार्ट बस कुछ कुछ नहीं, वो शॉर्ट्स पहना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट्स,
ऑफ द प्रोपोर्शन दैट इज नोन एज द टॉप हेवी. ठीक है, सेकेंड कुछ भी नहीं वो है इक्वल प्रोपोर्शन. इक्वल प्रोपोर्शन मतलब अपर पार्ट भी हेवी है और लोअर पार्ट भी हेवी है, या फिर अपर पार्ट भी लीनियर है लोअर पार्ट भी एकदम लीनियर है, मतलब पूरा दोनों इक्वल इक्वल. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ द प्रोपोर्शन दैट इज नोन एज द इक्वल प्रोपोर्शन. द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रोपोर्शन दैट इज द बॉटम हेवी. इधर आप देख सकते हो उसका अपर पार्ट का जो गार्मेंट्स है एकदम टेलर्ड है, और जो लोअर पार्ट है इसमें सारे आप देख सकते हो गैदरिंग्स है, लेयर्स है. सो दैट्स व्हाई इट दिस इज नोन एज द बॉटम हैवी ऑफ द गारमेंट. सो ये जो डिज़ाइनर्स जो डिज़ाइन किया है ये प्रोपोर्शन बेसिस ही डिज़ाइंस किया है, और प्रोपोर्शन बेसिस डिज़ाइंस कौन सा चुने हैं, बॉटम हैवी. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिज़ाइंस द प्रोपोर्शंस दिस डिज़ाइनर्स हैज चूज दिस टाइप्स ऑफ डिज़ाइन. सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? Now we will move to the second point of the principles of designs that is known as symmetrical of designs. Take care. So this is the, that means the balance. How you are balancing the designs. Is it the symmetrical? Is it asymmetrical? There are three points under the balance, that is symmetrical, asymmetrical and the radial balance. Okay, the first point is the symmetrical balance. इधर आप देख सकते हो जो ये garment जो उन्होंने पहना हुआ है और जो designers ने ये designs किया है all over the same है. इसमें कोई bottom heavy नहीं है, कोई top heavy नहीं है, या फिर equal proportion भी नहीं. It's all same, it's symmetrical. आपका आँखों से ये लग रहा है ये नहीं, ये all the point, ये all over equal है. So that's why this type of designs is known as symmetrical designs and it comes under the point of balance. Okay? Next हम जाएंगे asymmetrical में. So this is known as asymmetrical. Asymmetrical कुछ भी नहीं, abstract designs. अब बहुत सारे designers को इंडिया से लेके आप शांतनु निखिल को शायद जानते हो जो इंडिया बेस्ड डिज़ाइनर्स है, उसका आप देखना जो डिज़ाइनर्स और गारमेंट जो होता है वो काफ़ी asymmetrical टाइप का ही होता है, या फिर नीचे वाला या फिर ऊपर अपर पार्ट का भी कभी कभी asymmetrical हो जाता है, लोअर पार्ट ऑफ द गारमेंट्स का भी कभी कभी asymmetrical हो जाता है. दैट्स फॉर द रेफरेंस. ओके, सो दिस इज द अनदर रेफरेंस वेयर यू कैन गेट अ क्लियर विजन व्हाट इज नोन एज asymmetrical डिज़ाइंस. ओके, सो यू कैन सी हियर देयर दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट, देयर इज नथिंग अबाउट टेलर्ड और नथिंग अबाउट पैटर्न. Full tailored pattern is not showing over here. It's all over the abstract. Is it clear? So this is known as asymmetrical type of designs. Okay. Third point is the radial balance. So this types of designers you can say follow the one of the most popular, that is Sabyasachi. सब्यसाची का हर एक डिज़ाइनर्स इधर इंट्रिकेट होता है या फिर रेडियल्स होता है. रेडियल्स मतलब कुछ भी नहीं, आप देखो ये जो सारे गार्मेंट्स है ना इसमें ना एक सेंटर फोकस पॉइंट होता है. जैसे देखो ये एक सेंटर फोकस, ये एक सेंटर फोकस, ये एक सेंटर फोकस, मतलब पूरा के गार्मेंट्स आप देख सकते हो एक एक सेंटर फोकस है. मतलब मोटिव फ्लोरल मोटिव है, एम्ब्रॉयडर्ड है, पर इसका एक सेंट्रल फोकस है आप जान सकते हो. और ये सब डिज़ाइनर्स, इस टाइप के डिज़ाइनर्स सब्यसाची यही फॉलो करते हैं, इंट्रिकेट या फिर रेडियल्स. ओके, सो आप देख सकते हो दिस इज नोन एज द रेडियल, जहाँ पे पूरा गार्मेंट्स के आप एक सेंटर पॉइंट आपको नज़र में आएगा. ये एक सेंटर. सो दिस इज नोन एज द रेडियल बैलेंस. ओके, सेकेंड पॉइंट आई एम गोइंग टू दिस इज द रिदम. रिदम कुछ भी नहीं, जो पूरे गार्मेंट्स में ना एक पैटर्न फॉलो करेंगे, कोई भी पैटर्न, वो लाइन भी हो सकता है, वो सर्कल्स भी हो सकता है, या फिर कोई भी पैटर्न्स को वो अगर कोई रिदम में फॉलो करे वो एक डिज़ाइनर्स बन सकता है, वो एक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस होता है. सो फर्स्ट जो हम रिदम में सीखेंगे वो है लीनियर रिदम. इधर आप देख सकते हो इसका जो शर्ट है उसका भी एक लाइन्स है, मतलब ये रिदम फॉलो कर रहा है.
मतलब वो हॉरिजॉन्टल लीनियर ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज द लीनियर रिदम, कोई भी रिदम फॉलो कर सकता है, इसमें ये लाइन फॉलो कर रहे हैं, सो दिस इज नोन एज द लीनियर रिदम, ओके। सेकंड जो रिदम वो फॉलो करता है, अंडर आता है, वो है ग्रेडेटेड, सो दिस इज ग्रेडेटेड। अब ग्रेडेटेड मतलब कुछ नहीं, ग्रेडिएशंस, ये देखो ऊपर डार्क नीचे लाइट हो जा रहा है, या फिर ऊपर लाइट नीचे डार्क हो जा रहा है, सो दिस इज नोन एज ग्रेडिएशन, एवरीबडी नोज दैट। सो ये भी एक रिदम भी फॉलो कर रहा है, सो दिस ग्रेडेटेड कम्स अंडर द पॉइंट ऑफ अ रिदम, ओके। और जो लास्ट है रिदम में, नो दिस इज द थर्ड, और आज के लिए हम वीडियो इसमें ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल्स में बहुत सारा पॉइंट्स है, अगर मैं पूरा एक वीडियो में सब कुछ बोल दूंगी आपको समझ में नहीं आएगा। सो ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हम टू क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, सो फर्स्ट क्लास के लिए आज ये लास्ट है। सो ये दिस इज़ द थर्ड पॉइंट दैट कम्स अंडर द रेडिएटेड पॉइंट दैट इज़ नोन एज दैट कम्स अंडर द रिदम पॉइंट दैट इज़ नोन एज रेडिएटेड। रेडिएटेड कुछ भी नहीं, ये जो आप देख रहे हो जो सर्कल सर्कल, ये रैंडमली पूरा दिखा, मतलब इसका एक पैटर्न है, मतलब इसमें, मतलब देखो ये एक ज्योमेट्री का एक पैटर्न फॉलो किया है। इसमें भी देखो ये जो कपड़ा वो स्ट्रेच करके रखा है इसलिए पता नहीं चल रहा है, देखो ये एक ज्योमेट्रिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये एक ज्योमेट्रिक वाला पैटर्न फॉलो कर, मतलब ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, दिस इज नोन एज द रेडिएटेड, ठीक है। जो ये सेंट्रल फोकस, इसमें भी रेडिएटेड भी मतलब ये भी एक सेंट्रल फोकस है जिसमें एक ज्योमेट्रिक वाला पैटर्न फॉलो करता है, सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द रिदम, ओके। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट दैट कम्स अंडर द रिदम। सो सेकेंड क्लास से हम जो लास्ट जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइंस है वो हम सीखेंगे। आई होप आपका ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और सबके स्टूडेंट्स के लिए रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिसको ये पता नहीं होता है, बस उसको दिमाग में ये बात रहता है ये इलास्ट्रेशंस करेंगे और डिज़ाइनर्स बनेंगे, और कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जिसका सच में सवाल उठते हैं, या मतलब बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, दिस आर द बेसिक कंसेप्ट, दिस आर द प्रिंसिपल्स, आप कोई भी कॉलेज में जाओगे ये तो आपको पढ़ाएगा, मतलब आपके लिए हेल्पफुल और भी रहा होगा। अगर आप कॉलेज में जाओगे, आप ऑलरेडी नोन हो ये सब के बारे में, सो दिस विल बी ऑल फाइन फॉर यू, ओके। एंड द सेकेंड मोस्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो भी हम मतलब मेरे चैनल पे हम वीडियो डालेंगे, कलर रिलेटेड बेसिक नॉलेज, कलर रिलेटेड नॉलेज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे होते हैं ना जिसको कलर का नॉलेज नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर होते हैं, उस सब के नॉलेज नहीं, और वो कलर्स को लेके, ऐसे भी बहुत से डिज़ाइनर्स होते हैं बस कलर्स को लेके डिज़ाइंस कपड़े डिज़ाइंस करते हैं, सो वो भी हम फॉलो करेंगे ये वीडियो पे और वीडियो अपलोड करेंगे। आप प्लीज़ फॉलो करते रहिए और ऑब्वियसली सब्सक्राइब्स करते रहिए ताकि आपको नॉलेज में आ जाए जो हाँ ये सीखना ज़रूरी है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।